नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 12 जून शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा भारत सरकार का वैक्सीन प्रोग्राम राम भरोसे है। स्लॉट बुक करने में तो परेशानी आ ही रही थी, अब वैक्सीन का टोटा भी पड़ गया है। कोविशील्ड वैक्सीन खत्म होने से शनिवार को जिले के 170 सेंटरों में से 99 सेंटरों को बंद करना पड़ा। हालांकि जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने दावा किया है कि रविवार तक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ जाएगी और सारे सेंटर फिर से शुरू हो जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए जिले में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। पहले फ्रंटलाइन वॉरियर, फिर 60 से ज्यादा उम्र वालों के बाद 1 मई से 45 प्लस वालों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। तब तक व्यवस्था ठीक चल रही थी, लेकिन जून में 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन शुरू होते ही हाय तूबा मच गई। अब हालात ये हैं कि जिन्हें जरूरत है उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा दिक्कत 18 प्लस वालों में आ रही है, इनके लिए बनाए गए सेंटरों पर चाहे जब वैक्सीनेशन बंद हो रहा है। शनिवार को तो जिले में कोविशील्ड वैक्सीन एकदम खत्म हो गई। ऐसे में 99 सेंटरों पर ताला लगाना पड़ा। अभय न्यूज से बातचीत में टीकाकरण अधिकारी केसी परमार ने माना कि कोविशील्ड वैक्सीन के डोज खत्म होने से 99 सेंटरों को बंद करना पड़ा। हालांकि उन्होंने बताया कि शनिवार रात तक 11,500 डोज मिल जाएंगे, तब सोमवार से ये सेंटर फिर से शुरू हो जाएंगे। कोविशील्ड की सप्लाई थोड़ी शॉर्ट है, इस कारण से 99 सेंटर हमारे चालू है आउट ऑफ 170, यानी 71 सेशन ही हमारे कोविशील्ड के जो थे वो आज बंद रखे गए। जो बीता हुआ कल है वो जो शुक्रवार का दिन था, बच्चों का टीकाकरण का दिवस था, तो उसमें जो वैसे भी टीकाकरण होना नहीं था। हाँ, आज जरूर कोविशील्ड बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उसके टीकाकरण के जो 70 सत्र हैं वो नहीं हो पाए। 21,600 डोज मुझे अलॉट हो चुके हैं और रात में 2 बजे तक प्राप्त हो जाएंगे और सोमवार को वापस ये सत्र चालू हो जाएंगे। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट द्वारा हर प्रतिष्ठान के संचालक एवं कर्मचारियों को 7 दिन में अनिवार्य तौर पर वैक्सीनेशन करवाने के फैसले पर वैक्सीन की कमी से होने वाले असर पर परमार ने कहा कि व्यवसायिक लोगों को लगातार कैंप लगाकर वैक्सीनेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले दवा व्यापारियों के लिए सत्र का आयोजन किया गया था, आपको याद हो तो, दवा बाजार में किया था, थोक व्यापारियों के लिए अलग किया था और खर्चे व्यापारियों के लिए अलग अलग किए गए थे। इसके अलावा जो सब्जी व्यापारी थे उनके लिए गर्ल्स हाई स्कूल दशहरा मैदान में 3 दिन लगातार सत्र आरंभ रहा। तो ये सुपर स्प्रेडर सब्जी ठेला वाले हैं और दवा व्यापारी हैं, कपड़ा मार्केट के व्यापारी हैं, वीडी क्लॉथ मार्केट में भी हमारा कल ही सत्र लगा है, रेलवे में जो अक्सर लोगों की भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में काम करते हैं उनके भी रेलवे के सत्र हमने लगाए हैं। तो उस पर ये चल रहा है, खाली एक दिन ऐसा रहा है जिस पर कि ये कोविशील्ड की वजह से सत्र नहीं हो पाया है, बाकी सत्र चल रहा है और आगे भी चलाते रहेंगे। वैक्सीन की कमी से सेकंड डोज वालों को वैक्सीनेशन में परेशानी आने के सवाल पर जिला टीकाकरण अधिकारी ने कहा कि ये दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ सिस्टम से हो रहा है, रविवार तक काफी मात्रा में वैक्सीन आ जाएगी। आज आपने देखा होगा कि कोविशील्ड के सत्र चल रहे हैं और 8 सत्र हमारे सिर्फ कोवैक्सीन के ही चल रहे हैं, क्योंकि कोविशील्ड की प्रॉब्लम नहीं थी और अभी कोविशील्ड का जो गैप है लंबा है, तो उन लोगों के अभी ड्यू हुए नहीं हैं और जिन लोगों के ड्यू हुए थे उनके ऑलरेडी लग गए हैं और कोवैक्सीन के अब ड्यू होना शुरू हो गए, तो उनके लिए हमने आज 8 सत्र लगाए थे और हर एक में 120 डोज का प्रावधान रखा था। और मैं आज कम से कम 5 सेंटर में घूम के आया हूँ और वहाँ 100% के लगभग जो प्री बुक्ड थे उज्जैन शहर में वो सभी पर टीकाकरण सेकंड डोज का हो चुका है। इसके अलावा जो 45 प्लस के जो लोग थे उनके लिए भी हमने उसमें प्रावधान रखा था कि 45 प्लस वाले जो लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो, उनका भी ना रुके, क्योंकि अब उनका ज़्यादा बैकलॉग नहीं है, तो उनको भी हमने दिया है। तो और अभी आज ही मुझे 6,300 डोज और मिल चुके हैं गई रात में और वो आज चल रहा है और 11,500 डोज आज रात में फिर आज मेरे पास आ जाएंगे। तो अब कोई वैक्सीन की कमी की जो थोड़ी परेशानी आ रही थी वो अब नहीं आएगी।
उज्जैन से तालोद के बीच बस से अप डाउन करने वाली एक युवती कंडक्टर की ब्लैकमेलिंग में अपनी असमत गवा बैठी। कंडक्टर ने युवती से दोस्ती की, फिर उसके फोटो खींच लिए। फोटो का डर दिखाकर वह युवती को कमरे पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। 10 महीने पहले हुए इस वाक्य को भूलने की कोशिश कर रही युवती के मंगेतर को कंडक्टर ने पूरा वाक्य सुना दिया। फिर क्या था, मंगेतर ने युवती का साथ दिया और थाने में कंडक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। दरअसल जुर्म की यह कहानी करीब 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। अंकपात मार की युवती पार्लर ट्रेनिंग देने के लिए रोजाना उज्जैन से तालोद तक बस से जाती थी। इसी दौरान कंडक्टर ब्रजेश से उसका परिचय हुआ, जो जल्दी ही दोस्ती में बदल गया। आते जाते ये लोग रेस्टोरेंट पर भी रुकने लगे। इसी दौरान ब्रजेश ने युवती की फोटो खींच ली और वह युवती को ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने तालोद जाना बंद कर दिया तो ब्रजेश फोन पर उसे फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। ब्रजेश की धमकी से डरी युवती अगस्त 2020 में ब्रजेश से मिलने पहुंची तो वह उसे सेंट पॉल स्कूल के सामने एक मकान में ले गया। यहां ब्रजेश ने युवती से दुष्कर्म किया। युवती जैसे तैसे घर पहुंची और वाक्य को भूलने की कोशिश करने लगी। इसी बीच उसकी सगाई हो गई। यह जानकारी ब्रजेश को लगी तो उसने युवती के मंगेतर को कॉल लगाकर दुष्कर्म का पूरा वाक्य सुना दिया। मंगेतर समझदार निकला, उसने युवती को रिपोर्ट लिखाने की सलाह दी। इसके बाद युवती ने चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चिमनगंज थाने की महिला सेल की प्रभारी मधु बंसल ने बताया कि युवती की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। उसमें मैटर ये कि कल दिनांक को 11 तारीख को एक लड़की थाने पर आई थी, 20 वर्ष की, जो कि अंकपात मार्ग के यहाँ रहती है। उसकी सगाई भी हो चुकी है 4 साल पहले, तो बोलता कि तेरे फियांस को सब कुछ सारी बातें बता दूंगा। तो वो डर के कारण अगस्त 2020 में मुझसे मिलने के लिए चली गई और वो उसे सेंट पॉल स्कूल के सामने गली है वहाँ लेके आया और वहाँ पर एक मकान में ले गया और उसके साथ गलत काम किया, उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसके बाद में लड़की को इतना डरा दिया था कि वो इतने दिनों से रिपोर्ट भी नहीं करा पा रही थी। फिर उसके फ्यूंस के नंबर पहुंच गए उस आरोपी के पास, कैसे भी पता नहीं कहीं से ले लिए उसने, और उन्हें मैसेज करने लगा और लगातार डराने लगा कि तेरी वाइफ ऐसी है, जो होने वाली पत्नी है वो इस तरीके की है, ख़राब है। तो उसके फ्यूंस को सारी बातें पता चला 7 तारीख को, तो उसने फिर अपने फ्यूंस ने उसकी वाइफ से सारी घटना पूछी, तब उसके बाद में उसके फियांस के कहने पर रिपोर्ट कराने थाने पर आई थी। किस तरह की असली फोटो उसने खींच लिए थे जिसको लेकर वो सिंपल ही फ़ोटो थे, लेकिन बाद में बता रही थी कि कुछ असली फ़ोटो भी उसने ले लिए थे। ब्लैकमेल करता था वो सिंपल फ़ोटो के लेके स्टार्टिंग में उसने शुरू किया था। तो थाना चिमनगंज मंडी पर 376-506 में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है, आरोपी की तलाश जारी है। जी कितने समय से उसको परेशान कर रहा था? करीबन 1-1.5 साल से परेशान कर रहा था। उपभोक्ताओं को भारी राशि के बिजली बिल देने से युवा कांग्रेस ही नाराज हैं। युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने लोगों की शिकायत पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री अनिल नेगी के सामने रखी। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह झाला ने जून महीने में आए भारी बिजली बिलों का मामला नेगी के सामने उठाया। झाला ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से अधिकतर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद पड़े थे, बावजूद उनके भी बिल बढ़े हुए आए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को भी 5 से 6 गुना ज्यादा राशि के बिल भेजे गए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि बड़ी राशि के बिलों की जांच कर संशोधित राशि के बिल दिए जाएं, तथा जो दुकानें बंद थी उन्हें बिल एवरेज राशि से ज्यादा आए हैं उन्हें भी संशोधित किया जाए। इस प्रकार से जो बिल आए हैं उसे देख के आदमी घबरा सा गया है, क्योंकि जो आदमी अपने घर का बिल 100 रुपये 150 रुपये भरता था उसको अचानक से 1500 2000 2500 3000 तक के बिल थमा दिए गए हैं। तो कई शिकायत मेरे पास आई, 2-3 साथी हमारे यहाँ पे हमारे साथ में आए भी हैं, उन्होंने भी बताया कि इस प्रकार से जनवरी से लेके अभी तक वो 100 रुपये भरते थे और आज उनका अचानक 3000 3500 रुपये बिल आ गया। तो इस संबंध में अधिकारी से बात करने आए थे हम इसी साथ, तो सर ने आश्वासन दिया है कि एवरेज बिल केवल उनका भराया जाएगा। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा, पाए एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयाँ एवं निशुल्क घर पहुँच सेवा, पाए सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। लोडिंग वाहनों में दिन दहाड़े हो रही चोरियां एवं पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने से नाराज वाहन मालिकों ने शनिवार से काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज कराया। मालिकों ने यह तक कहा कि अगर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो वाहनों के चक्के थाम दिए जाएंगे। दरअसल उज्जैन शहर में पिछले दिनों लोडिंग वाहनों में चोरी के मामले एकाएक बढ़ गए हैं, खासकर इंदौर रोड से गुजरने वाले वाहनों से माल गायब हो रहा है।
सांवेर के समीप लोडिंग वाहन से चाय पत्ती बैग एवं अन्य सामान चोरी चला गया था। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी थी। इसी तरह अन्य वाहनों से भी हो रही चोरियों की FIR भी नहीं लिखी जा रही। इसका विरोध करने के लिए ही मालिकों ने वाहनों पर काले झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि पुलिस चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखती, ऐसे में चोरी का पूरा हर्जाना वाहन मालिकों को ही भुगतना पड़ता है। अभी हमने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत काले झंडे लगा के विरोध प्रकट करा है और आगे हम जैसे हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो हम सांवेर थाने पे धरना भी देंगे और उसका भी शांतिपूर्वक तरीके से हम इसको आंदोलन करेंगे। और जिस प्रकार पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है और चोर लोग डायरेक्ट आके ट्रांसपोर्टरों से संपर्क कर रहे हैं, मतलब पुलिस की तो ये बात गलत ही साबित हो गई कि हमारे क्षेत्र में घटना नहीं होती, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र के बदमाश खुद ट्रांसपोर्टरों से संपर्क कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ही वारदात की है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि प्रशासन इतना गहरी नींद में सोया है कि उसको यही होश नहीं कि उसके थाने में किस तरीके का व्यापार फल फूल रहा है। हमारी मांगे नहीं मारी जाती तो हम पहले ही डीजल के मार से इतने मर चुके हैं कि हम ये चोरी की घटनाओं से अब आर्थिक नुकसान नहीं उठा सकते, तो हो सकता है कि हमको हमारा व्यापार बंद भी करना पड़े। इसको चाय बैग थे और पान भार की बोरी थी, उसमें 3 पान भार की बोरी गई है और 1 चाय का बैग चोरी हुआ है दिन में 2 बजे ही। उसके बाद हम लोग थाने गए थे तो थाने वाले ने बोला दिन में कोई गाड़ी नहीं करती है, तो हमको ऐसे बोल के वहाँ से हटा दिया और ना हमारी रिपोर्ट लिखी है। अभी तक 8-10 दिन हो गए हैं, कुछ भी उसका हमारा नहीं हुआ है। तो फ़ोन आया था एक जने का, बोले मैं आपको माल दिलवा देता हूँ, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं ठीक है आप बताना, जैसा भी होगा अपन उसको करेंगे। वार्ड 22 के राधानगर पार्ट 2 में सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बहने की समस्या से कबीट कॉलोनी के रहवासियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। राधानगर पार्ट 2 और कबीट कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी रोड पर जमा हो जाता है। नगर निगम की टीम पाइप और जेसीबी लेकर खुदाई करने पहुंची तो रहवासी आमने सामने हो गए और विवाद की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाई थी। इसके बाद मामला शांत हुआ। चौबीस इंटू 7 पानी आता रहता है, 12 महीने ऐसी है कि नमाज पढ़ने जाओ या कोई भी निकले बच्चा स्कूल जाए तो भी पानी आता रहता है यहाँ पे। अभी पता लगा कि प्रेम नगर पार्ट 2 और इधर की कॉलोनियाँ क्या कहीं पानी जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उधर भी समस्या है और वहाँ पे भी पानी भराता है। तो वो छोटे चैम्बर में जोड़ रहे थे तो इनने बोला कि जोड़ेंगे तो पहले हमारी समस्या का हल करो फिर आप वहाँ पे जोड़ो। अब उनने बोला तो उनकी समस्या का हल भी करो प्लस लेकिन हमारे यहाँ जो पानी भरा रहा वो भी करो। तो आ रहे अधिकारी वगैरह और उनसे बात करता हूँ और इस चीज़ को निपटाने का प्रयास करता। लेकिन उधर का ड्रेनेज का अगर इसमें नाले में जुड़ जाता है पाइप तो उधर की समस्या खत्म होती है और उधर की समस्या खत्म होती है तो इधर की चालू होती है। दोनों समस्याओं का समाधान पूरा वार्ड एक है, जनता एक है, सब हिलमिल के रहते हैं यहाँ पे और शासन प्रशासन को चाहिए कि दोनों ही तरफ से पूरी समस्या का समाधान करें। कोविड मृतकों को मुआवजा दिलाने के लिए युवक कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस संबंध में शनिवार को युवक कांग्रेस की जिला इकाई की बैठक अध्यक्ष भरत शंकर जोशी की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश महासचिव स्वीटी पाटिल, प्रदेश सचिव कृष्ण सिंघार की उपस्थिति में सभी विधानसभा अध्यक्षों को उनके क्षेत्रों में कोविड से मृत लोगों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। शहर में 3 दिनों में ऑनलाइन ठगी के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला 9 जून का है, श्रीनगर निवासी पूजा लोधवाल से गूगल पे के माध्यम से 40,000 रुपए की ठगी हो गई। जबकि दूसरा मामला 11 जून का है, साईं विहार कॉलोनी निवासी रितेश गोराना से ATM का पिन नंबर पूछकर उनके खाते से 3 बार में 64,000 रुपए निकाल लिए। दोनों ने पुलिस में आवेदन दिया है। शहर की धरोहरों को बचाने के लिए युवा कांग्रेस ने धरने का ऐलान किया है। धरना 14 जून को शाम 4 बजे महाकाल मंदिर के सामने दिया जाएगा। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने कहा कि सभी पदाधिकारी आवश्यक तौर पर धरना स्थल पर उपस्थित रहे। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल, यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ।
एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगर गांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।